नमस्कार। आज के मुद्दा में बात करते हैं एजीएस न्यूज छत्तीसगढ़। आज के मुद्दा में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं माननीय श्री रेवाराम यादव जी, जो सरपंच प्रतिनिधि है। उससे आज अपने गांव के कुछ सवाल पूछते हैं, गांव में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके चर्चे हम लोग आज बात करते हैं। उसी चर्चे में बात करते हैं हम सरपंच से। मैं पूछना चाहूँगा सरपंच जी, आज तक आवाज जब से आपका चल रहा है, आपका पद लिए हो, जब धारण किए हो, तब से आज तक कितने पीएम आवास मिल चुका है? अभी पीएम आवास 16, 17, 19, 17, 18 निरंग, तो कभी मतलब 18, 19 में 13, मात्र 32। जो आप जिसका आवाज टूटा हुआ है, जिसका आज तक बन नहीं पाया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज किसका आवाज टूटा है? किसी का घर टूटा हुआ है, जिसको मिलना था कहा गया है गांव तरफ से कि उसको मिलेगा आवाज, मिलेगा, मगर उसका घर को तोड़वा दिया गया है, उसका आज तक भी नहीं मिल पाया आवाज। उसका लिस्ट में नाम है, आगे पीछे सब आ रहा है। वहाँ से अधिकारी बोले कि मतलब इसका लिस्ट में नाम चल दिया है, जाके सूचना दे दो। सूचना दिए, उसके बाद उधर लिस्ट में दो कमरा का दूसरे चेंज हो गया। इस बार आ गया उसका दो कमरे में नाम है, जिसका टूटा हुआ है। तो जिसके नाम में आज तक आया हुआ है, जब से आप पद धारण किए हो तब से अभी तक आ रहे, तो सबको मिला है? किसी को बचा है नहीं? जितना सुकृत हुआ उतना मिला है, 32 को मिला है। जैसे कि नीबू राम का सामत का घर है, सामत के घर से लेकर नीबू राम का घर है, वहाँ से लेकर सड़क का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर बरसात का दिन आता है, वो गड्ढा पूरा भर जाता है पानी, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहेंगे? इसके लिए मैं व्यवस्था वो करूँगा, जो गली है सीसी रोड बने उसके ऊपर आके पर्ची बस्ती के लोग बना दिया है, उसको मैं क्या करूँगा? जब मैं नाली बनाने के लिए तैयार हूँ, आम जनता मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है कि मेरे दरवाजा खन रहे होगा तो मोर दरवाजा खाना था ना, वो मैं क्या व्यवस्था कर सकूँ? अगर आम जनता के सहयोग रही, समर्थन रही, तब नाली बनती। तो मेरा एक सवाल है, जैसे कि बोल रहे हो कि आम जनता अगर बोलते, अगर ये बोल ये कर रहे वो कर रहे हैं, या जहाँ पर नाली खुलवाना है उसके वहाँ पर पर्ची उतार दिया गया, तो नाली की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो आप इस आपको आप इस गांव का सबसे बड़े मुखिया हो, तो ये होता है कि मुखिया के बात को पूरा हर लोग मानते हैं। आपके अंडर में पूरा पंच सरपंच बहुत लोग है, पंच लोग पूरा बस्ती है, पूरा बस्ती आपके अंडर पूरा बस्ती है, तो आपके सपोर्ट से अगर आप एक शब्द बोलते हैं तो वो जो बोलते हैं वो करना पड़ता है सबको। सुनने में आता कि जो आप बोलते हैं उसको करते हो, भले आपको पैसा उससे मतलब नहीं रहता है, मगर पैसा से आपको मतलब नहीं रहता है, किसी चीज के गांव से मतलब रहता है। तो गांव का आज तक उसका वहां का विकास क्यों नहीं हो पाया? जो वहां पर है सीसी रोड बन गए, वहां पर क्यों गड्ढा है? तो गड्ढा का विकास तो हम कई अपने तरफ से कई सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि उसको भरपाई भी कर सकते हैं या नाली निकाल सकते। चलो नाली में निकाले, तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या करेंगे? पहले सुर बन गया है, नीचे दब गया है, अब ऊपर में डालबे तो अलग से निकल जाएगी, निकल ही कि नहीं, वो व्यवस्था बनी नाली ही में बनी। कंक्रीटी अगर ऊपर से डाला था तो अलग कट जाएगी। इंजीनियर लोग से बात करने से कहा जा रहा है कि इंजीनियर लोग अगर थोड़ा सा उसको टांचा मारा जाए, टांचा मारकर थोड़ा सा उखेड़ दिया जाए, तो उसे फिर से रिपेयरिंग किया जा सकता है, वो उखड़ेगा नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर उखड़ जाएगा, या आपके पास हो सकता है फंड में आया होगा पैसा, तो उसमें लग नहीं पा रहा है? देखेंगे फंड में पैसा आएगा तो देखेंगे, नहीं अभी तो फंड में कुछ नहीं है, नील है। जैसे कि एक घर में रहते हैं, कई लोग 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, कई लोग 25 लोग रहते हैं, पूरा फैमिली रहते हैं, कई लोग अपने अलग अलग खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अलग हड़िया खा जाते हैं, अलग हड़िया में खा रहे हैं, उसी प्रकार शौचालय एक घर में, जिस आदमी के घर में 10-20 लोग है, वहाँ पर एक ही शौचालय मिल रहा है, उसमें एक ही शौचालय में एक आदमी गया है, तो एक आदमी इंतजार कर उसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए और शौचालय बनेगा या नहीं बनेगा, या वैसे रहेगा? स्वीकृत हो बनी, मांग पत्र दी पंचायत में, आने वाला में वो तैयार हो जाएगी, वो तो आना जाना लगना तो सब है ही। अरे भाई आदमी की संख्या बढ़ते क्रम में है, आज से है 2 परिवार, कल भर 4 हो गए, तो हमें जरूरत है, तो आगे पीछे तो प्रक्रिया चलती रही। ठीक है, आपके रहते हुए पहले कभी विकास नहीं हुआ, आपके रहते हुए जगह जगह टंकी बनाया गया है, आप बहुत भाग दौड़ किए हैं, इसलिए जगह जगह टंकी बना है, हर जगह देखते हैं, हर गली में टंकी बना हुआ है, मगर ऐसे हर